हेलो बच्चों, आप अपने टॉपिक लेके आए हैं माध्यक। माध्यक कैसे या माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले ये अपने को टेबल दी है, उसको अपने सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। एफ एक्स कितना हो जाएगा? 40 से लेके 45, 45 से लेके 50, 50 से लेके 55, और 55 से लेके 60, और 60 से लेके 65, और 65 से लेकर 70, और 70 से लेके 75। एफ अपने का दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ठीक है बच्चों, अब अपने को इसको माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपने को संचय बारंबारता, जिसे अपने बोलते हैं CF, इसे मैं लिखती हूँ संचय बारंबारता। हमेशा ध्यान रखना, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में से जो संचय बारंबारता यूज होती है वो ओनली माध्यिका, माध्यिका या माध्यक में ही यूज होती है। ठीक है, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? सबसे पहले CF है, F से ही संचय बारंबारता। 2 है, 2 का 2 यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम एज इट ऐसे लिख दिया। 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होएगा? 5, 5 में 8 जोड़े कितना हुआ? 13, 13 में 19, 19 में 25, 25 में 28, और 28 में जोड़ा 30। हमेशा ध्यान रखना, संचय बारंबारता का जो लास्ट मान होता है वो एफ का कितना होता है? टोटल मान होता है। अब इसका टोटल करो, टोटल 30 आना चाहिए। अगर 30 सेम संख्या नहीं आती, इसका मतलब अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की हुई है। तो संचय बारंबारता समझ आ गई बच्चों कैसे की है? 2 का 2 उतारेंगे यहाँ पे, इसमें तिरछा ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तिरछा जोड़ेंगे तो ये इसका CF का लास्ट मान और F का टोटल मान सेम होता है। अब संचय बारंबारता अपने ने निकाली। अब सबसे पहले माध्यक, माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक का सिंबल होता है M। L1 प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू I। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमेशा देखना, जो सबसे पहले अपने निकालेंगे N बटे 2, यानी मैं यहाँ पे निकालूँगी N बटे 2। N क्या होता है? N होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30, यानी 30 बटे 2 कितना आया अपना? 15 आ चुका है। ठीक है बच्चों, N बटे 2 कितना आ गया अपना? 15 आ गया। अब जो 15 मान आया है, अब अपने क्या करेंगे, CF में 15 से जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या नहीं देखनी है अपने को। जो 15 है इससे CF में जस्ट बड़ी संख्या देखेंगे। 2 है, 5 है, 13 है, 13 छोटी होगी, जस्ट बड़ी कितनी है? 19 है। तो 19 है, इस पे अपने ने क्या बना दिया? बॉक्स बना दिया। जैसे अपने ने पहले मैं वीडियो लेके आई थी बहुलक, बहुलक में जैसे बॉक्स बनाया था, उसी में से अपने मान यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे। तो N बटे 2 F 15 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, कितनी आई? 19 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले अपने को चाहिए L1, L1 ये L1 होता है, ये L2, L1 कितना है? 55 है। N बटे 2 अपने में फॉर्मूला है, M कितना है? 15। CF कितना है? अब CF आप ये नहीं लोगे, क्योंकि ये तो अपने ने यहाँ पे जो मान है ज्ञात करने के लिए ये CF लिया है, लेकिन जो फॉर्मूले में मान रखोगे इससे जस्ट ऊपर वाली CF रखेंगे। ऊपर वाली CF कितनी है? 13 है। जो अपने ने बॉक्स बनाया है, मान अपने बॉक्स में से ही लेते हैं, लेकिन जो CF का मान होता है वो हमेशा इससे ऊपर वाला लेके, इतना सा थोड़ा सा माइंड में फिट कर लेना माध्यक ज्ञात करने के लिए, कि माध्यक में जो CF होती है जो बॉक्स से जस्ट ऊपर वाली CF ही लेते हैं। और F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इस बॉक्स में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। और I या H कितना है? I H इन दोनों में अंतराल होता है, कितना हो गया? 5 का। फॉर्मूले में मार को L1 कितना है अपना? 55 प्लस N कितना है? 15। CF कितना है? 13। F कितना है? 6। और I H कितना है? 5 है। इसमें से मैंने मान रखे हैं। अब अपने इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कितने हुए? 2 × 5/6 कितना हुआ? 55 प्लस 55 और प्लस कितना हुआ? ये हो गया 10/6, यानी कितना हुआ? 55 प्लस 6 × 6 कितने बचे? 4 × 6 = 36, तो कितना हुआ? 56.6। माध्यक कितना आ गया? 56.6। 55 और 60 में से बीच में ही कोई संख्या आई है 56.6, इसका मतलब ये अपना जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इस तरह अपने माध्यक ज्ञात करते हैं। बहुलक की मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ, अब माध्यक है, इसके बाद मैं एक माध्यक की भी वीडियो लेके आऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों, फिर लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये जो 10th का टॉपिक है बोर्ड की एग्जाम में, उसमें लास्ट प्रश्नावली है, उसमें से ये 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू बच्चों।